फिल्म हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्पेशली डेंटल क्लिनिक में, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोग फील कर रहे हैं. उसकी वजह से जो जनरल हम लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है या जनरल पेशेंट्स है, उन्हें डर लग रहा है किसी भी डॉक्टर के पास जाने में या कोई भी ट्रीटमेंट्स करवाने में. सो मैं सारे पेशेंट्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो सबसे पहले आपकी क्या मेडिकल कंडीशंस है, आपको किस मेडिसिन से एलर्जी है, आपको कोई पहले किसी ट्रीटमेंट में कोई परेशानी हुई है, कोई डिफ़िकल्टी हुई है, या आपको एनेस्थीशिया से एलर्जी है, या कुछ भी, आप प्लीज़ पहले ही अपने डॉक्टर को बताइए. आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने वो लिख कर रखिए कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं. आपके पहले के जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, या कोई भी मेडिसिन पहले चल रहे थे, या कोई भी सर्जरी हुई है, वो पक्का आप अपने डॉक्टर से शेयर करें. और उसके साथ साथ अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि मैडम आपको या सर आपको ये टेस्ट कराने पड़ेंगे, या आपको पहले डायबिटीज था और अभी कंट्रोल में है, एंड फिर से अगर आपको डॉक्टर कह रहे कि नहीं आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ वो टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए है. क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत बार. सो इस कारण प्लीज़ आप जाकर कभी भी मेडिकल टेस्ट या जो भी टेस्ट आपको डॉक्टर कहते हैं, वो पक्का करवाइए. एंड डेफिनेटली इससे आपको हमेशा हेल्प ही होगी, और इससे हमें भी और आपका भी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होगा. अगर जब भी आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है, तो आप आपके डॉक्टर से बैठकर आपके पूरे डाउट्स क्लियर करिए ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान, या कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही अगर आपको सही लगता है तो ट्रीटमेंट के लिए जाइए. तो इस तरह से आप अपने जो भी कॉम्प्लिकेशंस है या जो भी आपके डर है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट एक्चुअली इजी प्रोसेस होता है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, एंड वो आपके हिसाब से होता है. सो आप डॉक्टर के पास जाना या डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड मत करिए, आप जाइए, बट आप अपने सब प्रिकॉशंस एंड अपने सब डाउट्स क्लियर करके आराम से जाइए. There is no problem in going there. There is no any issue while going there. Okay? Thank you.